पंचम भाव, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो पंचम भाव आपका इष्ट भाव है, आपकी विद्या का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, और साथ ही साथ आपके संतान का भाव भी है। तो जीवन में पंचम भाव का एक बहुत बड़ा महत्व है, और वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी स्थान में भी आता है। जब भी हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग, उसमें त्रिकोण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लग्न के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी भूमिका होती है वो पंचम भाव की होती है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध है। अगर पुराना जन्म जानना हो तो आप पंचम भाव से देखते हैं। अब समझते हैं कि पंचम भाव में अगर केतु आ जाए तो क्या परिणाम देगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि केतु जिस भाव में बैठता है उसके परिणाम को कमज़ोर कर देता है, अर्थात उसके भाव को कम कर देगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा। तो अब सबसे पहले समझिए पंचम भाव किसके लिए है। शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है। तो अगर केतु पंचम भाव में बैठेगा तो आपके शिक्षा में बाधा आनी तय मान के चलिए, आदि आनी ही आनी। अब पंचम भाव किसका भाव, इष्ट का भाव है, आपके आध्यात्मिक शक्ति का भाव है, आपके भूतकाल के आध्यात्मिक बल जो आया है उसका भाव है। तो आपके आध्यात्म को भी वो कम कर देगा। हालांकि केतु क्योंकि एक्चुअल में ज्ञान है, केतु त्याग है, केतु दुनिया से दूर लेके जाता है, तो व्यक्ति को बुद्धिमान अवश्य बना देता है, लेकिन साथ ही साथ वो उदर रोग भी देता है। मतलब जिनके पंचम भाव में केतु होंगे अक्सर देखा गया है कि कुछ ना कुछ उनको रोग होता ही होता है, यहाँ तक कि प्रेत बाधा की समस्या भी उनको कई बार देखी गई है, क्योंकि पितृ जो पुराने प्रारब्ध के अनुसार वो कुछ ना कुछ प्रेत बाधा लेके आता है व्यक्ति। लेकिन हाँ, पंचम भाव का केतु कई बार पुत्र हानि या पुत्र का शोक भी दिलाता है, या व्यक्ति को जीवन में पुत्र से कष्ट अवश्य मिलता है, उससे दूरी मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और अगर केतु पे पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए तो ये पुत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं माना गया है, खास करके जब केतु की या उस पाप ग्रह की प्रभावी दशा शुरू हो जाए, तो उस समय इनका उपाय करना आवश्यक हो जाता है। और केतु पीड़ित हो तो व्यक्ति को पापी और दुराचारी बना देता है, उस समय भी इसका उपाय आवश्यक हो जाता है। पंचम भाव का केतु किसी भी कुंडली के लिए शुभ नहीं माना जाता है।